तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें दो नंबर फाइंड करना है जिनका जो सम होगा वो 27 हो और जिनका प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर को तो 128 आए। तो हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैंने उन नंबरों को क्या माना है, x और y। तो मैं लिख देता हूँ, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड 27 माइनस x। तो मैंने उन दोनों नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया और एक को 27 माइनस x मान लिया। तो उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि x मल्टीप्लाई में 27 माइनस x क्या आएगा, 182, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि x को इन दोनों में इंटू करेंगे तो 27x होगा और माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना होता है, यानी कि x की पावर के हिसाब से हमें आगे पीछे वैल्यू होती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर दो x हैं, x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर क्या है, आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 27x और ये हमने यहाँ इक्वल टू के अंदर बुला लिया हमने, तो प्लस 182 हो गया इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो 120, तो मैंने इसको तोड़ रहा हूँ, माइनस 27x को मैं तोड़ रहा हूँ 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, x आ रहा है बस कॉमन, तो x माइनस 13 माइनस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें एक 14 कॉमन आ रहा है बस, और x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते थे, हमने इन दोनों को अलग जगह रखेंगे, x माइनस 14 और इन दोनों को एक जगह रखेंगे, और ये भी बताया था मैंने कि दोनों सेम आने चाहिए तभी हमारा आंसर सही आता है। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14 प्लस का आ गया और x इक्वल टू 13 ये भी प्लस का आ गया। तो हमारे जो दो नंबर हम फाइंड कर रहे थे वो हैं 14 और 13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। तो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका जो सम हो उनके स्क्वायर का, यानी कि उनका जो सम करें, यानी कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम सम करें और उसका फिर स्क्वायर करें वो आए 365, ठीक है। तो मैं उन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को मानूंगा x और x प्लस 1। तो लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में कि इनका स्क्वायर जो होगा, इनके सम का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस वन का होल स्क्वायर, इनका जो सम होगा वो होगा 365, ये लिखा था। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में कराया इसी तरह ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने क्या करा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यानी कि a की प्लेस में x है, तो x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये रहा a और ये रहा b, यानी कि x इंटू 1 तो 2x आ गया, और b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इक्वल टू 365, ठीक है, ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं,
तो हमें क्या करना है, ये देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, तो वन वन यहाँ पर है, तो मैं इसको इस साइड ले लूंगा इक्वल टू के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 364, ये 365 था, यहाँ पर आके माइनस हो गया वन से, इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी अब हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स, तो लेकिन फैक्टराइजेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से टू को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि टू को हमने इनमें से कॉमन निकाल लिया, जैसे कि इसमें से टू टू इसमें से टू हटा देंगे, तो इसमें से टू हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इसमें से टू हटाएंगे तो एक्स होगा, माइनस इसमें से टू हटाएंगे तो 182 होगा। तो ये हमारे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुकी है हमारी इक्वेशन। अब हम इसमें से अब हमें एक्स को तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं कैसे तोड़ूंगा, 14x माइनस 13x माइनस 182, जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता वो पहली वीडियो देख सकता है। और इसमें हमें यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 14 बचा ब्रैकेट के अंदर, माइनस 13x प्लस 14 ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है, इसमें कॉमन चीज लेते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, तो जिसको नहीं आता है वो पहली वीडियो देख सकता है। तो इसमें से क्या बचा, अब एक्स माइनस 13 और ये बचा एक्स प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू प्लस का 13 और एक्स इक्वल टू माइनस का 14। तो मैं जो दो नंबर निकालने थे हमें वो निकल के आ चुके हैं, तो क्या है उनका आंसर, माइनस 14 और प्लस का 13। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।